दस्तूर में सर, जितने मतभेद हैं सर, सुनको जड़ से। आकाश हेड एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पर। तो गाइज, आज आपका जो है HS इंग्लिश का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और इस पर मैंने जो सजेशन दिया था, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 95% जो है सजेशन कॉमन आया था। बट इसमें देखा जाए तो सिर्फ प्रोज का कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड था, बट उतना भी ट्विस्टेड नहीं था कि आप नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा आंसर देखा था तो उसी आंसर में जो है जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो घुमा फिरा कर 100% कॉमन इस बार भी आया इंग्लिश, और HS हिंदी में 100% मैंने कॉमन दिलाया था, और HS इंग्लिश में भी 100% कॉमन आया है। बट थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट होने की वजह से मैं ईमानदारी के साथ कहूँगा कि 95% ही जो है कॉमन आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या थे। स्टूडेंट के रिव्यू रिएक्शंस मैंने लिए हैं, सभी ने बोला है कि पेपर उतना टफ नहीं था, क्योंकि पोयम से, प्ले से, राइटिंग स्किल से जो था मेरे सजेशन से 100% कॉमन आ चुका है 100%। और जो प्रोज से थोड़ा क्वेश्चन घुमाया था उसका भी आंसर जो था मेरे वीडियोज में भी थे, क्वेश्चन से आप कर सकते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मैं आपको अपना आंसर भी दिखाऊंगा कि मैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें भी आया था, मैंने जो दिया था उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यार, HS 2020 इंग्लिश का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन जो देखिए क्या आया था। तो देखिए यार, ये जो पोयम का जो मैं फर्स्ट स्टार्ट करना चाह रहा था, तो पोयम में जो है 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर 2 क्वेश्चन मेरे सजेशन से आ रहे हैं इसका मतलब 100% कॉमन आया है, इसका मतलब ये होता है 4 क्वेश्चन जो भी है आपको 2 करना था, 2 में से अगर 2 उस 4 में से 2 क्वेश्चन मेरे सजेशन से आए इसका मतलब मेरा सजेशन 100% जो है वो मैच किया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री से आया था, एंड देन इट इज डन, एंड देन इट इज डन, ये एज इट इज क्वेश्चन जो था मैंने आपको कराया था, जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको वो आंसर दिखाना चाहता हूँ कि उसका आंसर मैंने कहाँ कराया था, कैसे कराया था। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आप मेरे चैनल पे, मैं यहाँ पे थंबनेल अभी शो कर दूंगा, आप उस थंबनेल को वीडियो में जाकर, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइन है, एंड देन इट इज डन, उसका जो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर आपको लिखाया। सो यार आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन जो था सेम टू सेम आ ही गया था, और मैंने कितना वंडरफुल आंसर लिखाया था। अगर आपने, और अभी मैं थंबनेल शो कर दूंगा, आप देख लेना वो वीडियो में जाकर। तो अगर आपने ये किया होगा तो आपको तो यहाँ पर आराम से 6 मार्क्स तो मिल ही गया होगा। देखिए ये जो है HS 2020 का जो ये सजेशन था इस साल का मैंने जो दिया था उसमें, देखिए ये क्वेश्चन जो था ऑन किलिंग अ ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने दिया था, एंड देन इट इज डन। और मैंने सजेशन के साथ साथ टिप्स भी दिया था आप लोगों को कि आप अगर सब क्वेश्चन नहीं करना चाहते सजेशन का, तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ऐसा नहीं बोला था कि आप नीचे का क्वेश्चन कर कर चले जाओ। अगर आपको कम क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही कॉमन आ गया। तो मतलब अगर जिसने सजेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन करने का भी अगर डिसीजन लिया था तो उसका तो 6 मार्क्स मतलब मिल ही गया। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन जो था आपको मेरे सजेशन से कॉमन आया था वो क्या था, आइडेंटिफाई दी वॉइसेस ऑफ द पोइट्री ऑफ अर्थ, हाउ डज किड्स इस्टेब्लिश इट्स कंटिन्यूटी थ्रू दीज वॉइसेस। तो इसका भी मैं दिखा रहा हूँ आपको जो सजेशन कॉमन था, द पोइट्री ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द पोइट्री ऑफ अर्थ जो था ये क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था कि ये सजेशन में मेरा ये जो क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, इसी से रिलेटेड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे मैंने जो मेरे चैनल पर जो आंसर था उससे आप कर पाते हैं। तो यार आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पर ये जो वीडियो डाला हुआ था, आइडेंटिफाई द वॉइसेस ऑफ द पोइट्री ऑफ द अर्थ, द पोइट्री ऑफ अर्थ, हाउ डज किड इस्टेब्लिश द कंटिन्यूटी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। और मैंने बोला भी था कि अगर आप ये इस चैप्टर से ये आंसर कर लेते हैं तो आपको जो ऐसे भी तरह के आंसर कर लेंगे, बट यहाँ पर तो ये डायरेक्ट आंसर ही आएगा। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर में देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको दिखाई देगा, और फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे थंबनेल शो कर दूंगा, आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन मैंने दिया था। तो यहाँ पर भी आपको 6 मार्क्स गारंटी मिली गए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं और भी क्वेश्चंस पर। और अगर आप देखेंगे स्लीप इन द वैली का जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी आया था, और ये जो है सेल आई कंपेयर दी उसका भी क्वेश्चन इजी आया था, बट 2 क्वेश्चन जो मेरे सजेशन से मिल गए थे तो यहाँ पर मेरा 100% सजेशन कॉमन आ गया।
ये जो हमिंग इंसेक्ट का था उसका मैं डालना चाह रहा था, बट मुझे इम्पोर्टेंट एक्चुअली लगा नहीं था। देखिए इसका आंसर जो है रेडी था मेरे पास, आंसर इसका था तो, बट खैर जो भी हो, बट दो क्वेश्चन करने होते हैं, दोनों क्वेश्चन आपका कॉमन मैंने दिलवा दिया, 100% कॉमन आ चुका है। और उसके बाद देखिए मैं जो प्ले आता है, मैंने बोला भी था कि यार हर साल कैरेक्टर दे ही रहा है तो इस बार कैरेक्टर नहीं भी दे सकता है, सोशल लाइफ का इम्पोर्टेंट था और लाइन का जो इम्पोर्टेंट था। तो देखिए मैंने जो है ये वाला लाइन जो था ब्रिंगिंग बैक तो ये देखिए जो प्रपोजल का जो मैंने सजेशन दिया था उसमें देखिए मैंने बोला था कि ये 5 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। तो देखो यार 5वां नंबर, पहले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, तो लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़कर मैंने ये 2 लाइनिंग जो था आपको मैंने बोला था कि ये 2 लाइन आपको जरूर से जरूर कर लेना। तो देखो यार 5वां जो दूसरा लाइन मैंने जो दिया था ब्रिंगिंग बैक तो वो लाइन जो है आपके एग्जामिनेशन में आ ही गया है। और शायद देखिए मार्किंग स्कीम भी सेम आया था, 1+1+2+2 और यहाँ पर भी मार्किंग स्कीम वही है, कहाँ पर गया, यस इधर है 1+1+2+2। तो यार इसके बाद तो ये जो है आपके सिलेबस में तो है ही नहीं। तो यार देखो ये 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन मैंने कॉमन दिलवा दिया, मींस 100% कॉमन आ चुका है। अब पोयम में मैंने 100% दिलवा दिया, प्ले में मैंने 100% दिलवा दिया, अब क्या चाहिए आप बताइए आप ही। उसके बाद जो ग्रामर है इसमें तो कोई सजेशन नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ बताया ही जा सकता क्या आएगा, तो नरेशन आएगा, वॉइस आएगा, ये तो बता ही दिया था आएगा। और उसके बाद नाउन फॉर्म आ सकता है, स्प्लिट करने आ सकता है, मैंने सभी को बताया था ये सब कर लेने के लिए खुद से। उसके बाद जो ये जो है आया हुआ था शायद ये जो है थैंक यू मैम, नहीं नहीं ये दी आईज हैबिट का ये लाइन था आर्टिकल इन प्रीपोजिशन का, और इसका जो आंसर होगा माइन होगा, स्ट्रॉन्ग रूट का मैंने लाइन जो दिया था, अगर जो थंबनेल भी अगर देख लिया था तो वो तो माइन होगा। और जो अनसीन होता है वो तो आपको खुद से ही करना होता है, वहाँ पर जो आता है इसका कोई सजेशन नहीं होता है, मैंने सब ट्रिक्स बताए थे। और यहाँ पर जो आता है रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग जो है राइटिंग स्किल आता है, तो मैंने आपको बोला था कि आप ये जो है रिपोर्ट राइटिंग को नहीं करने, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, हर एक टॉपर जो है लेटर को प्रेफर करता है क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो यार द लोस्ट जो है पासबुक का जो है ये लेटर राइटिंग मैंने जो है सजेशन में दिया था, तो ये मैंने देखो लॉस्ट ऑफ पासबुक जो मैनेजर को लिखना था ये मैंने सजेशन में दिया था, और देखो ये मैंने चैनल पर अपलोड किया था। यार देखो कितना सिस्टमेटिक से मैंने आपको ये जो है मैंने जो है आंसर दे दिया था, आप देख सकते हो ये आंसर था कितना लाइन वाइज यहाँ पर लिखा था योर फेथफुली योर नेम, तो ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था और ये सजेशन में। तो यार देखो राइटिंग लेटर राइटिंग का जो मैंने सजेशन दिया था वहाँ पर देखो पहले ही मैंने बैंकिंग लेटर का सजेशन दिया था कि आप बैंकिंग लेटर जरूर करना, और देखो उसमें 3 तरह के टॉपिक थे, एजुकेशनल लोन, लॉस ऑफ पासबुक, न्यू अकाउंट ओपनिंग, तो लॉस ऑफ पासबुक जो है आ गया, मीन्स 10 नंबर का चीज़ आ गया। और आपको लिखना कैसे था आपको तो मैंने दिखा ही दिया कितना शानदार तरीका से मैंने लिखा है, और आपको उसी तरह से लिखना था, आप देख ही पा रहे होगे। तो इसमें तो कन्फर्म आपको अगर इस तरह से आपने अगर मेरे चैनल से लिखा है तो आपको इसमें 10 में 10 जो है मिल ही जाएगा। तो अब जो टाइम आ रहा है वो जो है प्रोज का देख लीजिए, प्रोज में ही थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट आता है, बट उसके बावजूद पोयम प्ले और राइटिंग स्किल में 100% कॉमन आ गया, और HS हिंदी में 100% भी कॉमन आया था। यार देखो 100% कॉमन दिलवाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो थोड़ा सा तो ट्विस्ट हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा तो इधर उधर पेपर हो ही सकता है क्योंकि मैं एग्जामिनर तो हूँ नहीं जो 100% पेपर आपको दे सकता था। तो देखो यार सबसे पहले जो क्वेश्चन है आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग आई एफ ए प्रीटी फेस, तो इसका भी आंसर जो था मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड था, आप देख पा रहे हो कि ये जो है क्वेश्चन एक्चुअली जो है ये है कि आई एम टायर्ड ऑफ पीपल ऑफ टेलिंग आई हैव अ प्रीटी फेस, जो ये क्वेश्चन था, बट मैंने जो चैनल पर था ये अपलोड किया था। तो एक्चुअली मैंने देखो यहाँ पर अपने ही से मैंने लिखा था, ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है, दोनों ही में ब्यूटी ऑफ द गर्ल ब्लाइंड गर्ल की ब्यूटी के बारे में जो है बताया गया है, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का आंसर इक्वल है, मैंने ये दिया था बट यही आंसर यहाँ पर भी कुछ आएगा। हाँ तो यहाँ पर ये तो कॉमन आ ही गया मान लीजिए। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट अप था इसीलिए मैंने 100% नहीं बोलकर 95% मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो यार जो ये थैंक यू मैम का क्वेश्चन था, व्हाट हैड मिसेस जोन्स गेस्ट टू बी रियल रीजन बिहाइंड, जो भी क्वेश्चन था ये एक्चुअली देखो मिसेस जोन्स का कैरेक्टर है, अगर आपने मिसेस जोन्स का कैरेक्टर मेरे चैनल पर देखा है तो इसका कुछ नहीं है, यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ मिसेस जोन्स नहीं पूछकर आपको क्वेश्चन को पार्ट वाइज बना दिया है, पार्ट वाइज कर दिया है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा।
अच्छा यार, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिसेज जॉन्स। देखो यार, थैंक यू मैम से मैंने जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो मिसेज जॉन्स का मैंने बोला था करने के लिए, तो इसका आंसर जो है कैसे होगा। देखो यार, कैरेक्टर ही दिया था, टोड उसको जो है पार्ट वाइज कर दिया था। हाँ तो यार देखो, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर में जो है ये क्वेश्चन जो अपने चैनल पर अपलोड किया था पॉइंट वाइज जो था, इसमें क्या है कि तो रियल रीजन जो है क्या था कि रोजर ने क्यों पर्स को स्नैच किया था, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ही आंसर उसका छिपा हुआ है कि उसको एक ब्लू स्वेट शूज खरीदना था अपने लिए, पेयर ऑफ ब्लू स्वेट शूज खरीदना था। तो रियल रीजन इसमें से आपको आंसर मिल गया अगर आप ये करके गए थे तो। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन था, व्हाट डिड मिसेज जॉन्स डू डैट रोजर कुड फुलफिल हिज विश, जो उसका विश था तो मिसेज जॉन्स ने क्या किया था। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा था कि वो जो है $10 जो देती है मिसेज जॉन्स जो है रोजर को $10 देती है टू बॉय हिमसेल्फ ए ब्लू स्वीट शूज सो वी डैट ही वांट, जो वो चाहता था वो खरीद पाए, तो इसका आंसर भी इसमें मिल गया आपको। उसके बाद जो था, व्हाट डिड सी टेल हिम देन, उसके बाद वो क्या बोलती है, उसके बाद बोलती है कि ऐसा जो है मिस कंसेप्शन, ऐसा जो गलती कभी भी स्नैचिंग करने का जो है मत करना। देखो उसका भी आंसर यहीं पर मिल जाएगा कि सो डैट ही वांट एंड सी एडवाइज टू, इसका आंसर देखो यहाँ से सी एडवाइज हिम टू नॉट टू डू एनी मिस्टेक टू अटेम्प्ट टू स्नैचिंग द पर्स अगेन। तो यहाँ पर जो है यही जो मिसेज जॉन्स जो है रोजर को बताती है ऐसा गलती करने के लिए नहीं, तो इसी में आपका आंसर जो था इसका भी पार्ट वाइज दे दिया था, बट देखा जाए तो एक्चुअली कैरेक्टर को ही पूछ लिया था। हाँ तो यही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार यही था और कुछ नहीं था। उसके बाद देखिए यार, जो दो मैंने दिखाया दोनों क्वेश्चन आप कर सकते थे, तो इसमें मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, बट मैं बोल पाऊंगा कि 95% जो मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन आया था वो इसी का थोड़ा घुमा देने की वजह से मैं अपने आप को 95% बोल रहा हूँ, नहीं तो HS इंग्लिश जो है इसमें भी अप्रोक्स 100% कॉमन आ ही गया था। और जो था ये जो पीपल ऑफ रिलीजियस, ये भी कहीं ना कहीं ईजी था, इसमें भी मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था, तो देखो यार ये जो क्वेश्चन था क्यों जो है डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल बैठे होते, तो यहाँ पे हिम किया है, तो हिम तो कलाम के फादर जैनुल अब्दीन, अगर आपने मेरे चैनल से ये क्वेश्चन किया हुआ था होगा अबाउट द डेली रूटीन, तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन क्या था, किसको कहा गया, तो ये तो ईजी है, जैनुल अब्दीन को कहा गया था। उसके बाद देखिए, वेयर डिड द पीपल वेट आउटसाइड में, जो है पीपल जो है वेट करते थे, उसका आंसर इसमें मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चन था कि वाई डिड दे आर वेट एंड वाट वुड इट हैपन आफ्टर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा, वही वुड गो टू द वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इवनिंग रोजर, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस वेटेड आउटसाइड द मॉस्क्यू फॉर हिम, ही वॉज ए हीलर, ही वॉज ए हीलर हु प्रेड फॉर द वेलबींग प्रेड फॉर वेलबींग ऑफ हिज फेलो मैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही ना पूछा गया था कि वाई डिड द पीपल वेटेड, तो यहाँ पर उसका आंसर ये सब लिखोगे आप, और जो और भी क्वेश्चन आंसर ऐड होगा, बट इसमें से भी आप इसका आंसर जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। शेयर अब जो लास्ट में है जो 3 questions है, शेयर देखो जो 3 questions का था उसका भी मैंने जो सजेशन दिया था उसमें से पहला ही क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया था कि देखो यार क्वेश्चन क्या था, व्हाट वेयर द 3 questions जार वांटेड, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन था व्हाट वेयर द क्वेश्चन टू विच द जार गॉट डिफरेंट आंसर, एक्चुअली क्वेश्चन दोनों सेम ही है। उसके बाद क्वेश्चन जो है यहाँ पर, उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है वाई वर इज डिससेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय द स्कॉलर एंड लर्न मैन, तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, होम डिड द जार डिसाइडेड टू द कंसल्ट व्हेन ही नॉट सेटिस्फाई एंड वेयर डिड द पर्सन लिव, तो यहाँ पर देखो इसी में से क्वेश्चन जो है आपको जो ये दोनों में से क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्चुअली बस 4 questions आते हैं तो चारों तो कॉमन आना जरूरी नहीं, आपको करने तो 2 होते हैं, तो वो 2 मैंने जो है कॉमन दिलवा दिए, जो कि पोयम से मैंने आपको दिखाया दोनों कॉमन दिलवा दिया, प्ले से 1 करना होता है 1 कॉमन दिला दिया, लेटर और रिपोर्ट में से लेटर मैं प्रेफर करता हूं, और लेटर में ही से मैंने कॉमन दिला दिया लॉस ऑफ पासबुक का, तो एक्चुअली देखा जाए तो उधर से तो मेरा 100% कॉमन आ गया, बट यहीं पर थोड़ा जो क्वेश्चन प्रोज में इस बार ट्विस्ट अप किया था, इस वजह से जो है मेरा सजेशन जो है 95% कॉमन था। तो और इसका तो आप अगर आंसर आप देखना चाहते हो तो थंबनेल तो मैं दिखा ही दिया हूँ, आप थंबनेल पर जाकर देख सकते हो। सो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप ज़रूर कमेंट करें आपका पेपर कैसा गया होगा, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपने अगले एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।